अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आलमी हिद्दत। इसको एक और नाम दिया जाता है तमाज़ते अर्ज़ी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये एक मज़मून है। आप लोग मज़मून जानते ही होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग निबंध और इंग्लिश में बोलते हैं एसे। एसे और निबंध को ही मतलब मज़मून कहते हैं, जिस किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से लिख कर बता देना ही मज़मून कहलाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मज़मून है। किस पर ये एसे यानी कि मज़मून लिखा गया है? तो आलमी हिद्दत पर, ग्लोबल वार्मिंग पर ये निबंध यानी कि मज़मून लिखा गया है। और इस चैप्टर में तो नॉलेज ठूस ठूस कर भरा हुआ है। मतलब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे ना तो ढेर सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी, उसको इकट्ठा कर लीजिएगा माइंड में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखिए और हर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। अब ज़रा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। तो क्या हम उर्दू में भी उसको पृथ्वी या फिर अर्थ बोलेंगे? नहीं, उर्दू में हम लोग पृथ्वी या फिर अर्थ को ज़मीन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम लोग उर्दू में ज़मीन कहते हैं। तो जिस ज़मीन पर, जिस पृथ्वी पर, जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं उसे सैयारा कहते हैं, यानी कि प्लानेट कहते हैं। द लैंड वी लिव ऑन इज कॉल्ड प्लानेट। ठीक है, जिस ज़मीन पर रहते हैं उसको तो हम लोग, हम जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसको हिंदी में ग्रह कहते हैं, इंग्लिश में उसे प्लानेट कहते हैं, लेकिन उर्दू में सैयारा कहते हैं। आप लोगों को मतलब 6-7 क्लास में बता दिया गया होगा कि प्लानेट किसे कहते हैं। ये तो 6-7 क्लास में ही बता दिया जाता है कि सूर्य या फिर किसी भी अन्य पिंड, किसी भी अन्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लानेट कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले या फिर किसी भी अन्य तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानेट। और उर्दू में सैयारा कहते हैं और हिंदी में ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो पृथ्वी है, ये भी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, तो पृथ्वी क्या हो गया? ये जो ज़मीन है, उर्दू में ज़मीन कहते हैं पृथ्वी को, तो ये जो ज़मीन है ये क्या हो गया? एक सैयारा हो गया, यानी कि प्लानेट हो गया, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़िए। ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, यानी कि अर्थ इज़ सूटेबल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। यानी कि जो हम लोग की पृथ्वी है, ज़मीन है, ये सभी जीव जंतुओं के लिए सूटेबल है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है सभी जीव जंतुओं के लिए मुनासिब है। अगर बात करें हम दूसरे प्लानेट की, दूसरे सैयारे की, तो दूसरे प्लानेट पर कहीं ज़्यादा गर्मी ही है तो कहीं ज़्यादा ठंडी ही है। मतलब दूसरा प्लानेट जो है ना, वो जीव जंतुओं के लिए सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन मात्र एक ऐसा ही पृथ्वी एक प्लानेट है जिस पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी पर तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है, यहाँ का जो ज़मीन, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है। लेकिन दूसरे प्लानेट पर ना, कहीं गर्मी ही ज़्यादा है, कहीं ठंडी ही ज़्यादा है, कहीं तूफान ही आता रहता है, तो दूसरा प्लानेट पर मतलब जीवन संभव नहीं है, जीव जंतु जी नहीं सकते। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा मात्र प्लानेट है जिस पर जीवन संभव है, और सभी जानदारों के लिए, सभी लिविंग थिंग्स, जब सभी जीवित वस्तुओं के लिए पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है ये सूटेबल है, यानी कि मुनासिब है। ठीक है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। पिछले 30-40 वर्षों से हमारा जो ज़मीन है, ये जो पृथ्वी है, इसका दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमी हिद्दत किसे कहते हैं, तमाज़ते अर्ज़ी क्या है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर खटका होगा कि हाँ, आलमी हिद्दत है क्या? चैप्टर का नाम ही है आलमी हिद्दत, तो है क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्या है? तो सुनिए, ये जो पिछले 30-40 वर्षों से हमारा जो ज़मीन है, हमारे जो पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर लगातार रफ्तार रफ्तार बढ़ रहा है, यानी कि धीरे धीरे। रफ्तार रफ्तार मतलब होता है धीरे धीरे। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर ये धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो इस टेम्परेचर के बढ़ंती को ही, दर्जा हरारत के बढ़ंती को ही हम लोग कहते हैं आलमी हिद्दत, या फिर एक और नाम दिया जाता है तमाज़ते अर्ज़ी। आप आलमी हिद्दत बोलिए, फिर तमाज़ते अर्ज़ी बोलिए, बात एक ही है। और इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हम लोग के अर्थ के, हम लोग के पृथ्वी का टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ रहा है पिछले 30-40 वर्षों से, तो इसी टेम्परेचर के बढ़ंती को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाम से ही आप याद कर सकते हैं, ग्लोब यानी कि पृथ्वी और वार्मिंग मतलब गर्म होना, पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।
पृथ्वी जो है हम वो वार्मिंग हो रही है, यानी कि गर्म हो रही है पिछले 30-40 वर्षों से, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए। पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से, यानी कि 10 सालों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन चुका है। अभी जो है ना, देखिए पिछले 10 सालों से ये ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चाएं हो रही हैं, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि आलमी हिद्दत, ये सभी पूरी संगीन आलमी मसला बन और चैलेंज बन गया है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये एक सीरियस मसला बन गया है और एक तरह से चैलेंज बन गया है कि किसी भी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, किस तरह हम लोग काम करें कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके और इस पृथ्वी के टेम्परेचर को हम लोग कम कर सके जो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, दुनिया के सारे साइंसदा इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है। जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं वो इस मसले पर, आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है और उस पर फिक्रमंद है। ठीक है, अमेरिका, जर्मनी और UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO आप लोग जानते हैं ना, ये देशों का संगठित मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं इस मसला देखिए अमेरिका, जर्मनी और UNO में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए और इससे निजात पाने के लिए कई अहम इकदाम उन ममालिक में लिए जा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी और UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इस मसला यानी कि आलमी हिद्दत पर ढेर सारे साइंटिस्ट जो है वो फिक्रमंद है, अपने अपने ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमी हिद्दत को कम किया जा सके और इससे निजात पाने के लिए जो ये जो अमेरिका और जर्मनी और UNO के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कदम उठा रहे हैं कि किस तरह मतलब हम लोग करें, किस तरह रास्ता अपनाएं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और इस आलमी हिद्दत से निजात पाया जा सके, यानी कि छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, और आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए अब बात आती है वजह की। आफ्टर ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्या आखिर रीज़न है, क्या कारण है कि ये जो आलमी हिद्दत है वो बढ़ते ही जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही जा रहा है, आखिर क्या रीज़न है, वजह क्या है? तो देखिए अब मैं यहाँ पर वजह लिख दी हूँ कि ग्रीन हाउस गैस और अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियाँ हैं जो कि साइंस की ज़ुबान में ग्रीन हाउस गैस के असरात यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या कारण है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा शांति से और धीरे धीरे समझिए। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का पहला रीज़न ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, और दूसरा और सबसे अहम रीज़न, सबसे महत्वपूर्ण कारण हम लोग खुद इंसान हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, और जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा ना तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। मेन रीज़न है ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। हम लोग कुछ ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ सरगर्मियाँ करते हैं जिसके वजह से ये ग्रीन हाउस जो है वो बढ़ जाता है, और जिसे साइंटिस्ट की ज़ुबान में हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में ना बहुत सारे गैसें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट गैस है वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन गैस, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और O3 यानी कि ओजोन। ये जितने भी गैस हैं ना ये ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, और यही गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ये जितने भी गैस हैं ना ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार है, ये मेन गैस है। ग्रीन हाउस गैस में और भी सारे गैस आते हैं लेकिन जो मेन गैस है वो ये सारा है, और CH4 यानी कि मीथेन को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि मीथेन जो है वो असली ज़िम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी हैं। ठीक है, हम लोग अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी गतिविधियाँ करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके वजह से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस जो है वो पहले के मुकाबले में 31% ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और मीथेन गैस जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है मीथेन गैस, तो इस मीथेन गैस का हम लोग जो है ना सबसे ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, 149% जो है ना पहले से ज़्यादा मीथेन गैस की बढ़ती हो गई है, सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पैदा हो रहा है।
और ये क्यों? हम इंसानों की वजह से, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी इंसान के कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है। ठीक है, मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से ज़्यादा निकलती है। ये जो मीथेन गैस है ना, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, वो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफा और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। देखिए, कल कारखानों, मोटर गाड़ियों में बढ़ती होने की वजह से, मोटर गाड़ी आजकल सबसे ज़्यादा कार मोटरसाइकिल वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसके बाद से जंगलों के बेतहाशा कटने की वजह से, यानी कि आजकल जंगल जो है ना सभी जगह के मतलब हटा दिए जा रहे हैं, जंगल को काट कूट कर हटा कर वहाँ पर घर बनाया जा रहा है, या फिर फैक्ट्री बनाई जा रही है, या फिर रेल लाइन बिछाया जा रहा है, मतलब किसी तरह जंगलों को काट दिया जा रहा है। तो ये जो बेतहाशा कटाई हो रही है और ये जितने भी हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का सिक्रीशन होता है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ती है, फैलती है, पैदा होती है, और उसके बाद से यही ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है ये भी बता दे रही हूँ। देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है ना, तो ये ग्रीन हाउस गैस, चाहे वो CO2 हो, चाहे मीथेन हो, यानी कि CH4 हो, NO2, O3, ये जितने भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, उन सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और फिर वो किरणों जो है उस पृथ्वी से टकराने के, पृथ्वी पर आने के बाद वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके हिसाब से आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। तो सूर्य की किरणें जो आती है ना, वो पृथ्वी पर तो आती है, लेकिन इन गैसों की वजह से दोबारा वो वापस जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर जंगल ज़्यादा नहीं रहेगा तो किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बढ़ेगा। जंगल रहेंगे तो किरणें जो होती है ना, वो सूर्य से किरणें आती है तो जंगल पर पड़ती है, पेड़ पौधों पर पड़ती है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, लेकिन जो किरणें आती है वहाँ पर जंगल नहीं रहेगा, जिस ज़मीन पर सिर्फ सादा ज़मीन रहेगा, मैदान, खुला मैदान रहेगा, तो डायरेक्ट किरणें जो है वो ज़मीन पर पड़ेंगी और ज़मीन जो है डायरेक्ट गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रीज़न है, वजह है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब बढ़ने का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझना बाकी है, पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। अब चलिए आगे समझिए। देखिए, आगे मैं लिखी हूँ कि साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। साइंटिस्टों के मुताबिक जो है ना, हमारा जो इस ज़मीन का, हमारा पृथ्वी का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर पिछले 100 सालों में कितना सेंटीग्रेड बढ़ गया है? 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बता दे रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर यही हालत रही तो 21वीं सदी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का एक इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हालत रही तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा यानी कि बढ़ती हो जाएगी, जो बहुत ही तश्वीशनाक बात है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक और ख़तरनाक बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ आप बोल रहे हैं कि आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, तश्वीशनाक बात है, हमारे लिए शर्मनाक बात है, तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले इसका नुकसान तो बताइए कि नुकसान क्या है, तभी तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमी हिद्दत जो है वो कितना ख़तरनाक है, नुकसान, इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसका क्या नुकसान है, ये तो बताइए, तभी तो हम लोगों को मालूम चलेगा आलमी हिद्दत कितना ख़तरनाक है। ये आप लोगों के माइंड में ज़रूर सवाल खटक रहा होगा। तो चलिए, अब आलमी हिद्दत के नुकसान समझिए कि जब आलमी हिद्दत बढ़ेगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या क्या दुनिया पर असर पड़ेगा और उससे हम लोगों को क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो देखिए, अब मैं नुकसान लिखी हूँ कि ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे जो है तेज़ी से पिघलते हैं, जिससे समुद्र में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए, ज़मीन का ये जो टेम्परेचर है, दर्जे हरारत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये बढ़ने की वजह से समुद्र के जितने भी बड़े बड़े बर्फ़ के तोंदे हैं यानी कि बड़े बड़े बर्फ़ के गोले हैं, वो पिघलना शुरू कर रहे हैं, और जिसके वजह से समुद्र में पानी का स्तर यानी कि लेवल तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ़ के बड़े बड़े तोंदे पिघलेंगे तो पानी ही ना बनेंगे, जिसके वजह से समुद्र में जो पानी का स्तर है, लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसके वजह से क्या नुकसान होगा, आप लोग जानते ही होंगे, जितने भी आइसलैंड है,
हमारा जहाँ तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश है और जो भी देश जो समुद्र के किनारे आबाद है, मालदीप वगैरह, तो उनको क्या है, डूबने की खतरा बढ़ जाती है। जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा, तो इस तरह के देश जो समुद्र के किनारे आबाद है वो डूब सकते हैं। तो ये एक ख़तरा है। आगे भी मैं लिखी हूँ, और तमाजते अर्जी में तदरीजी इजाफा की वजह से आब व हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। तमाजते अर्जी बोलिए, आलमी हदत बोलिए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोलिए, बात तो एक ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में लगातार इजाफा, लगातार बढ़ती होने की वजह से आब व हवा में यानी कि क्लाइमेट में बड़ी तब्दीली यानी कि चेंज देखने को मिल रहे हैं। वह मुल्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता था, अब वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। आप लोग देखते भी होंगे, कभी गर्मी के दिन में ठंडी लगने लगना, और गर्मी ठंडी के दिन में कभी कभी गर्मी का या फिर बरसात का महसूस, मतलब बरसात होने लगना। तो इस तरह की आब हवा यानी कि क्लाइमेट में अभी चेंजेस आ रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। आगे बढ़िए, बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। ठीक है, इस के बरअक्स, यहाँ पर के देना ज़रूरी था, ठीक है, इसके बरअक्स बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं, जिनसे कई खतरनाक किस्म की बीमारियाँ होती जा रही हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कोरोना वायरस 2019 में आया था, अभी तक कोरोना वायरस को हम लोग झेल रहे हैं, COVID-19 बीमारी, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से ना, इसी तरह के कुछ बैक्टीरिया, जर्म्स, जरासीम मतलब होता है जर्म्स, और वायरस जो है ज़्यादा पनपते हैं, और आप लोगों को देखने को भी मिल गया कोरोना वायरस जो कि 2019 में आया था। तो ये सब जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से ही पनपते हैं, ठीक है, जिनसे कई तरह की खतरनाक किस्म की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग, और भी बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान हैं, पूरा नुकसान मैं नहीं लिखी हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के बुक में दिया है वही लिखी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान। अब इससे कैसे बचा जाए, अब देखिए बचाव की बारी आती है कि ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि इस पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने से कैसे बचाया जाए। तो अब बचाव देखिए, जंगलों को कटने से रोकना होगा, जितने भी जंगल है उनको कटने नहीं देना होगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जंगल को बढ़ाना पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जंगल को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, जितने भी पेड़ पौधे हैं, दरख्त यानी कि पेड़, ठीक है, उनको क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फलने और फूलने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने का आंदोलन चलाया जाए, सभी लोगों को ये मतलब प्रेरित किया जाए कि आप पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए, जिस तरह के अभी के ज़माने में गैस फेंकने वाली नई नई तरह के कंपनी की गाड़ियाँ जो बन रही है, उन पर क्या पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि जब वो चलेंगी तो गैस निकलेगा, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस में बढ़ती होगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो गैस वो गाड़ियाँ जो गैस निकालती है, गैस फेंकती है, उन पर क्या करना होगा, पाबंदी लगानी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैस के मकदार कम करने होंगे। ये जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, विकसित देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस, इनको क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैस को मकदार कम करना होगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम करनी होगी। जितने भी देश हैं, जर्मनी, चीन, जापान, रूस और अमेरिका वगैरह, इनको मतलब वैसे काम नहीं करने होंगे जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस में बढ़ती हो, ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह और धुआं निकालने वाली जैसी काम और फैक्ट्री नहीं लगाना होगा जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़े, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। तो इस तरह के देश को, जो भी विकसित देश है, उन लोगों को समझना चाहिए और वैसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़े, ठीक है। आगे बढ़िए, 2007 ईस्वी में क्यूटो में इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें दस्तावेज तैयार किए गए थे। 2007 ईस्वी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। 2007 में ना क्यूटो में इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें दस्तावेज तैयार किए गए थे और अलग अलग मुल्क के लोग आए थे और उस पर सिग्नेचर किए और ये वचन लिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए गए हैं उस पर मैं अमल करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये वचन लिए थे, बहुत सारे मुल्क के लोग आए थे और उस इस दस्तावेज़ पर सिग्नेचर यानी कि दस्तखत भी किए थे, ठीक है।
आगे बढ़िए। अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्तहारात तकसीम कराए और एक किताब भी तसनीफ की। अमेरिका के साबिक नायब सदर यानी कि पूर्व उपाध्यक्ष जिनका नाम है एल गोरे, वो पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है ना तकरीरें की और सुझाव बताए कि हम लोग क्या क्या करें जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। और उसके बाद से उन्होंने एक किताब भी तसनीफ करवाई बाटी, जिसकी वजह से जिसमें उस किताब में लिखा था कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सके, हम लोग कैसे कुछ एक्टिविटी करें जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके, मतलब बचाव था उसमें और सुझाव भी था उस किताब में। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे भी कुछ पॉइंट और है जिसको आप लोगों को समझना बाकी है, तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ। लीजिए, अब चलिए आगे समझिए। देखिए आगे मैं लिखी हूँ कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल व ज्ञान कांग्रेस यानी कि चाइल्ड साइंस कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है, दीमापुर में मुनाकद किया गया था। देखिए 27 दिसंबर से 31 दिसंबर पूरे 5 दिनों तक 2008 ईस्वी में जो है ना बाल विज्ञान कांग्रेस स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो नागालैंड के शहर दीमापुर में। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2008 ईस्वी को शहर कौन नागालैंड के कौन से शहर में स्थापित किया गया था, और ऑप्शन में दे देता है दीमापुर, तो आप लोग टिक करके आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी, भूलिएगा नहीं एकदम। चलिए, तो यहाँ तक तो आप लोगों को मालूम चली गया कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी को शहर दीमापुर में मुनाकद किया गया था यानी कि स्थापित किया गया था, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर यानी कि चीफ गेस्ट के तौर पर जो है ना साबिक सदर हिंद और आलिमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम जो है ना मौजूद थे। यानी कि मेहमान खसूसी के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर साबिक़ सदर हिंद यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान यानी कि दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, वो शिरकत किए थे चीफ गेस्ट के तौर पर, जो कि मशहूर वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट भी है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, उस पाँच रोज ये जो इस बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था, ये पाँच रोज की कॉन्फ्रेंस के दो ही मौजूदात थे, दो ही टॉपिक थे, कौन कौन सा? एक पोल्यूशन और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि किसी भी हाल में पोल्यूशन को कम करो और ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, दो ही टॉपिक थे जिसको कम करना था, जिसके वजह से ये बाल विज्ञान कांग्रेस स्थापित किया गया था दीमापुर में। ठीक है, और इस कांग्रेस यानी कि ये जो बाल विज्ञान कांग्रेस है इसमें 32 सूबों यानी कि 32 प्रांत से तुलबा व तुलबात यानी कि छात्र छात्राओं को चुनकर शिरकत करने का मौका दिया गया था। यानी कि छात्र छात्राओं कितने छात्र छात्राओं तो 556 थे, 556 छात्र छात्राओं को 32 प्रांतों से चुनकर लेकर गया था और वहां पर शिरकत करने का मौका दिया गया था। ठीक है, और पूरे मुल्क से 1165 असातजा भी हिस्सा लिए, यानी कि पूरे मुल्क से जो है ना 1165 असातजा यानी कि टीचर भी इस कांग्रेस बाल विज्ञान कांग्रेस में शिरकत किए थे। देखिए इतने बड़े बड़े लोग और इस दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े जो है यहाँ तक कि APJ अब्दुल कलाम, वो ग्लोबल वार्मिंग पर चिंतित थे और उसको कम करने के लिए पूरे तरीके से मेहनत और सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि किसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो आप तो एक स्टूडेंट हो तो आप लोग भी इस बात को समझिए और कुछ ऐसे एक्टिविटी ना कीजिए जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, और दूसरों को भी ऐसी एक्टिविटी मत करने दीजिए, गतिविधियां मत करने दीजिए जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़े। आप एक स्टूडेंट है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का, कुछ पोल्यूशन फैला रहे हैं जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तो आपका मतलब एक स्टूडेंट होने से क्या फ़ायदा कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्या पागल है दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पूरे फिक्रमंद है, चिंतित हैं, तो वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं, आप लोग भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए कदम उठाइए। ठीक है, आगे देखिए मैं क्या लिखी हूँ। APJ अब्दुल कलाम ने इस संगीन मसला को दूर करने और बचने के लिए एक जादुई मंत्र बताया।
APJ अब्दुल कलाम जो कि वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बाल विज्ञान कांग्रेस में जो है ना ये ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को कम करने और उससे बचने का एक बहुत ही बढ़िया जादुई मंत्र बताया। और ये जादुई मंत्र क्या था जरा सुनिए। 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल के उम्र वाले 20 लाख बच्चे जो है अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये APJ अब्दुल कलाम बोले थे कि 10 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं वो एक बच्चा अगर 5 पेड़ लगा दे, इसी तरह 20 लाख बच्चे जो है 5-5 पेड़ लगा देंगे तो हमारा जो मसाइल है ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन है इस पर काबू पा लिया जाएगा। आप लोग भी इस ट्रिक को अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का आप भी हिस्सा बनिए और आप अपनी ज़िंदगी में 10 से 17 साल ये जो मंत्र बताया तो आप लोग भी मतलब 5-5 पेड़ लगाइए और अपने आसपास के लोगों को भी बोलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं। सिर्फ एक ही तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का, पेड़ पौधे लगाना और उसको फलने फूलने देना। तो आप लोग जो है एक स्टूडेंट है और आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है, तो आप लोग अपना योगदान दीजिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो एक यही रास्ता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, तभी इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो आई थिंक जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई वो समझ में आया। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से आप इस वीडियो को अपने पास ही रख लेंगे, बस बंद कर मोबाइल रख लेंगे। जी नहीं, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी एक तरह से हिस्सा बन जाए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।